ये अव्यक्त इशारे कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी का पाठ बजाते कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे, कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना यही कर्मयोगी स्टेज है।